I'm Rocky, and in this session I'm going to discuss with you question number 7.71, which is on page number 213. So let's see what the question is all about. Question says, what is the maximum concentration of equimolar solutions? What is the maximum concentrations of equimolar solutions of ferrous sulfate FeSO4 and sodium sulfide Na2S, so that when mixed in equal volumes there is no precipitation of iron sulfide? For iron sulfide, solubility product constant is equals to 6.3 into 10 raised to power minus 18. हमें ये पता करना है कितनी मैक्सिमम concentrations हो ferrous sulfate और Na2S की, ताकि जब हम उन्हें मिक्स करें इन equimolar अमाउंट तो देयर शुड नॉट बी द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन सल्फाइड. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर कि द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, या फिर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन बी एक्स मोल्स पर लीटर. ठीक है, सो लेट द मैक्सिमम Let the maximum concentration of each solution equals to x mole per liter. ठीक है, now after mixing the volume of concentration, the volume of concentration of each solution is reduced to half, that is x by 2 mole per liter. ठीक है, तो हमने जब उनको इक्वी मोलर अमाउंट के अंदर मिक्स किया तो हर जो हमारे पास में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन था और सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन था, उनकी जो इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, इट वुड बी रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन वी आर मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन इन एन इक्वी मोलर अमाउंट. सो दिस इज इट. नाउ वी कैन सी दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSO4 is equals to the concentration of Na2S, which is in turn equals to x by 2 mole per liter. ठीक है, ऐसे ही Fe2 positive की जो concentration है वो concentration equal है FeSO4 के, जो है x by 2 mole per liter. ऐसे ही S2 negative की जो concentration है वो equivalent है concentration of sodium sulfide, which is also x by 2 moles per liter. यहां तक बात बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुकी है आपको. Fe2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन x by 2 मोल पर लीटर, S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन x by 2 मोल पर लीटर. प्लीज आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए. वी मूव फॉरवर्ड. सो आई कैन से नाउ द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर आयरन सल्फाइड वुड बी रिप्रेजेंटेड एज सच. वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. मैंने कॉन्सेंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव की और S2 नेगेटिव आयन की निकाल ली. आप देखिए, आई कैन से दैट नाउ द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर आयरन सल्फाइड कैन बी रिटर्न एज वॉट. आयरन सल्फाइड इज FeS, सो इक्विलिब्रियम ये सॉलिड स्टेट में, इट विल बी Fe2 पॉजिटिव स्टेट प्लस S2 नेगेटिव इन द एक्टिव स्टेट. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. अब देखिए, अगर मैं कहूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो K ऑफ द SP वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव.
ठीक है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव पता है और हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है फॉर आयरन सल्फाइड. सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन इट वुड बी 6.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय 2. क्या बन जाएगा? इट वुड बी एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18. जब मैंने इसको सॉल्व किया प्रॉपरली तो मुझे x की वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू 5.02 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9. ठीक है, जब x स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 6.3 10 रेज टू माइनस 18 को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो मुझे सिंप्लीफाइड जो वैल्यू मिली x के लिए इट वॉज x इज इक्वल टू 5.02 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9. यहां तक आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. सो मुझे x की क्या वैल्यू मिली? x इज इक्वल्स टू 5.02 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मोल पर लीटर. ये x जो मैंने कंसीडर किया था वो क्या कंसीडर किया था? मैंने कहा था लेट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्यूशन बी एक्स मोल पर लीटर. ठीक है, तो ये वो वाला एक्स है. सो आई कैन से द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन दैट मीन्स फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड इज इक्वल्स टू 5.02 इन 10 टू माइनस 9 मोल्स पर लीटर. ठीक है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ the solution, considering both the solutions are equal to or less than 5.02 in 10 raised to power minus 9 mole per liter. अगर concentration दोनों solutions की अगर equal है 5.02 in 10 raised to minus 9 मोल्स पर लीटर के या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर लेस देन द 5.02 10 रेज टू माइनस 9 मोल्स पर लीटर देन देयर वोंट बी देन देयर विल नॉट बी प्रेसिपिटेशन देयर विल नॉट बी प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन सल्फाइड. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इफ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड इट इज मी आर की सेइंग यू ऑल नाउ. गुड बाय.